अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना लोगों के लिए आसान होगा। लोगों को सरकारी दफ्तरों के ज्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार द्वारा यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर भी उठाया जा रहा है। अगले 3 महीने में सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे। जिले में 2,76,000 परिवारों का डाटा तैयार हो चुका है। बता दें कि जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में परिवार पहचान पत्र बांटे गए। इसी कड़ी में करनाल जिले में भी 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र वितरित किए गए। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के घर द्वार पर ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं सेवाओं को पारदर्शितापूर्ण तरीके से सीधा लाभ मिले तथा भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। डिजिटलाइजेशन के इस युग में परिवार पहचान पत्र बनाने की देश में हरियाणा प्रदेश ने एक अनूठी पहल की है। इससे अब हर पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि जिला में करीब 2,76,803 परिवारों का डेटा तैयार हो चुका है, जिसमें से अधिकांश की वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है, शेष पर कार्य जारी है। जिन परिवारों ने अब तक परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन नहीं किया है, उनकी सुविधा के लिए आगामी 27, 28, 29 और 30 अगस्त तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाकर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस मौके पर जिन परिवारों के पहचान पत्र बनकर तैयार हो चुके हैं, उनके वितरण का कार्य भी किया जाएगा। अगले 3 माह में हर संभव परिवार पहचान पत्र को सरकार की सेवाओं एवं योजनाओं से जोड़ा जाएगा। डीसी निशांत कुमार यादव मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवार पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री रतन लाल कटारिया, मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सीएससी सुप्रभा धैया उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनने से अब कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजना का लाभ उठाने से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि जिस दिन वह परिवार या व्यक्ति सरकार की किसी भी योजनाओं के लिए पात्र बन जाएगा, डाटा के अनुसार संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर सरकार की ओर से संदेश मिलेगा कि आप इस योजना का सरल केंद्र पर जाकर लाभ उठाएं। अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही बार बार सर्वे की आवश्यकता रहेगी। एक बार जो डाटा व्यक्ति ने दे दिया, उसी से योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। इसी मौके पर नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, भाजपा के विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला, ASD अशोक कुमार बंसल, PO संगीता मेहता, DEO महिपाल सीकरी उपस्थित रहे। आज जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से पूरे हरियाणा राज्य के लिए परिवार पहचान पत्र जो हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पे भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके तहत करनाल जिले में हमने 20 ऐसे परिवारों को परिवार पहचान पत्र दिए हैं जो इस स्कीम में आइडेंटिफाई हुए थे। हमारे ज़िले में अब तक ये सर्वे 2,76,803 जो परिवार हैं वो चिन्हित करके उनका सर्वे हो चुका है और आने वाले समय में इन सभी परिवारों को ये कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। इस कार्ड का मेन लाभ ये रहेगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको एक सिंगल विंडो के जरिए इस कार्ड के थ्रू अवेलेबल कराई जा सकती है। इसके लिए जो भी परिवार, चूँकि उनका सबका डेटा इस कार्ड में अब सम्मिलित है, तो जो भी योजना उस परिवार को सूट करती है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए हकदार होता है या कोई स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए हकदार है या वोट बनवाने के लिए किसी की एज 18 ईयर्स हो जाती है, तो वो उस योजना का जो मैसेज है वो उस परिवार के मोबाइल नंबर पर, संबंधित मोबाइल नंबर पर चला जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि आप इस स्कीम में लाभ लेने के लिए अब एलिजिबल हैं, इसलिए आप अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ जमा करा दें और आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी या छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर लमसम मोटे तौर पे देखें तो ये जो परिवार पहचान पत्र की जो स्कीम है उसका उद्देश्य ये है कि जो सरकार, जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, वो लोगों को खुद उनके द्वार पर जा कर के दे।
यानी कि लोग जो हैं वो खुद सरकार के पास अपना फायदा स्कीमों के तहत लेने के आने की बजाय सरकार खुद उनके घर जा कर के उनके डोरस्टेप पे जा कर के उनको सूचित करे कि आप इन इन स्कीमों का फायदा ले लें। तो ये एक सुशासन के तरफ एक नया कदम है और बड़े गौरव की बात है कि हरियाणा पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह का स्टेप लिया है। मैं इसके लिए सभी जिलावासियों को बधाई देता हूँ और प्रशासन की तरफ से हम सबको आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाले 3 महीनों में जिले के जितने भी परिवार हैं उन सबको हम इसमें कवर करेंगे और कार्ड वितरित करेंगे। अगर किसी भी बेनिफिशियरी को लगता है कि कार्ड में कोई कमी है तो अपने गांव के या अपने शहर के वार्ड के CSC सेंटर में जाकर के अपनी डिटेल नोट करा करके उस कमी को ठीक करवा सकता है। उसके बाद आने वाले समय में धीरे धीरे सरकार की सभी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको इस कार्ड के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस कार्ड से जोड़ा जाएगा। क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है? ये जो कार्ड है ये तो सभी परिवारों को समान रूप से दिया जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद चूँकि इस कार्ड में सारी डेटा आएगी, इसमें बेनिफिशियरी का नाम, उसकी परिवार की डिटेल, कास्ट, BPL स्टेटस, इनकम स्टेटस, ये सारी चीज़ें आएंगी और ये हमारे टीमों ने सर्वे करके वेरीफाई किया हुआ है, इसलिए ये सूचना बड़ी ऑथेंटिकेटेड सूचना है। और उसके बाद जब फिर उदाहरण के तौर पे अगर मेरा कार्ड बनता है तो मेरी इनकम के आधार पे, मेरी BPL स्टेटस के आधार पे जो जो योजनाएं मुझे मैं फिट बैठता हूँ, जिनको सरकार के नियम के हिसाब से फ़ायदा मिलना चाहिए, वो उन योजनाओं का फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो ये जो कार्ड है ये तो एक प्राइमरी तौर पे पहचान के तौर पे है और उसके बाद सारी की सारी योजनाओं को इस कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस कार्ड में उस परिवार की सारी डिटेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक चिप के जरिए अधिग्रहित रहेंगी। सर, इसके कैंप भी लगाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? जी, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो अगस्त माह है इसके 27, 28, 29 तारीख को सारे के सारे गाँव, ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में कैंप लगा करके भी कार्ड, नए कार्ड बनाना, कार्ड वितरित करना और अगर किसी कार्ड में कोई खराबी है तो उसको ठीक करना, इसके कैंप्स लगा करके भी ये कार्य तेजी से करा जाएगा। क्या फायदा मिलेगा इस कार्ड से जो आज आपको दिया गया है, परिवार पहचान पत्र? ये इससे बताया है जी, ये BPL वगैरह या कोई भी सरकार की कोई स्कीम आएगी जी उसमें सब में ये काम करेगा। हाँ जी, और जैसे कहीं दफ्तरों में चक्कर निकाले पड़ते थे कोई स्कीम के लिए, तो अब इसी कार्ड से ये सब काम हो जाए। तो इसको प्रयोग करने के बारे में आपको पता कैसे ये प्रयोग? नहीं, फिलहाल तो जी कुछ नहीं पता, बाकी ये है पहले BPL कार्ड के मैंने कई बार फॉर्म भरे हैं जी, और मैं इंद्री वार्ड नंबर 2 से हूँ जी, और कई बार ना वहाँ जो अमीर आदमी हैं उनके राशन बने हुए हैं और मेरा नहीं बना हुआ है। BPL के फॉर्म मैंने कई बार भर दिए हैं और उसमें अब तक मेरा नाम नहीं आया है, और वहाँ कमेटी से जो जानकार हैं उनके काम होते हैं, गरीब आदमी का कोई काम तो नहीं। ये बनने से फ़ायदा होगा आपको? वो तो बाद में ही पता लगेगा जी, कार्ड मेरा बन चुका है, अगर मेरे को फायदा होता है तो ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.